जो निकिता ठाकुर है जो शरीआम राजपूतों को ब्राह्मणों की औलाद बता रही है। एक थी जसवां और एक रियासत है कुटलहड़, ठीक है जी, कुटलहड़। तो ये जो दो रियासतें हैं, इन दो रियासतों को मिला के ही बनता है ऊना डिस्ट्रिक्ट, राइट। कुटलहड़ की स्थापना किसने की है? जसपाल ने। और माना जाता है ये जो जसपाल थे ये ब्राह्मण थे, नाम है जसपाल ब्राह्मण, राइट। फिर जब ये राजा बन गए तो ये फिर उन्होंने चेंज कर लिया था राजपूत में, फिर ये राजपूत बन गए। उसके बाद ऊना में दो रियासत थी क्षत्रियों की, एक थी जसवान जो कि जसपाल राजपूतों की रियासत थी जो कटोच राजपूतों की शाखा है, और दूसरी रियासत थी कुतलहड़ जो कि चंद्रवंशी पाल डायनेस्टी जिनमें महाभारत के पांडव अर्जुन हुए हैं उनके वंशजों की रियासत थी। तो ये उसको जो पहला राजा हुआ पाल डायनेस्टी का पहला संस्थापक उसको ब्राह्मण बता रही है कि वो बाद में राजपूत बन गए थे। तो मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि अनपढ़ पहले अच्छे से इतिहास पढ़, कोई विकिपीडिया में कुछ भी लिख देता है कि राजपूत बन गए बाद में पहले ब्राह्मण थे तो तू वही छापने लगी। तेरे पास क्या क्या प्रूफ है मुझे बता ना। ये जो रियासत बनी है ये 1000 साल पहले बनी है, तो 5000 साल पहले की वंशावली हमारे पास मौजूद है। तेरे मुंह पर मारेंगे 5000 साल पहले की वंशावली। हम महाभारत के पांडवों के वंशज है जो पाल डायनेस्टी वाले। हिमाचल में तू देख ले एक और जो कि कुल्लू के नाम से मशहूर है वो भी पाल डायनेस्टी के राजपूतों की है। इसके अलावा जा देख ले जो रजौरी में जिरालों से आने से पहले मंगरालों का राज था, मनियाल राजपूतों का राज था, वो भी पाल डायनेस्टी से निकले हुए हैं। कल को तू उनको भी दूसरी कास्ट का बता देगी। महाभारत के पांडवों से लेकर पांडव भी फिर दूसरी कास्ट के हो गए, अर्जुन दूसरी कास्ट के हो गए। तो तू तो शरीआम इतिहास चुरवा रही है हमारे क्षत्रिय समाज का। मैं वहां के कुतलेरिया राजपूतों को बोलना चाहता हूँ कि इसने फेसबुक पर यूट्यूब पर इसने पोस्ट किया, लोगों को पढ़ाई करवा रही है, तो ये पढ़ाई करके तुम आगे बढ़ोगे झूठा इतिहास बताकर। तो राजा इस वक्त जो रुपेंद्रा पाल कुतलेहर हैं उनके जो भाई हैं टिक्का साहब उनके छोटे भाई शिवेंद्रा पाल कुतलेहर वो एक कट्टर क्षत्रिय हैं। चंडीगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा चलाते हैं वो। पृथ्वीराज चौहान की जयंती अभी दिल्ली में मनाई गई थी, वो जाते हैं। क्षत्रिय कट्टर क्षत्रिय है, एक तो होता है क्षत्रिय, उनका भाई इतना कट्टर क्षत्रिय है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में जुड़ा हुआ है जो उस वक्त राजा है, और तू उनका पूरा वंश चुराने में लगी हुई है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने पहले कटोच क्षत्रियों पर भी प्रहार डाला था कि कटोच क्षत्रिय भी बाद में राजपूत बने हैं, पहले दूसरी कास्ट से थे। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा इतिहास चुराने वाली ये निकिता ठाकुर जो नाम के साथ ठाकुर लगाती है और राजपूतों का ही इतिहास चुराने में लगी हुई है। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज उठाते रहें जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शातक।